अरे भाई दरवाजा खोलो, सिरकटी लाश हमारे पीछे पड़ गई है, हमें बचाओ, हमें अंदर आने दो वरना वो हमारा सिर भी काट देगी। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जान बचा ली। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए उस सिरकटी लाश से दुश्मनी मोल ली है, अब वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे अरे नहीं नहीं, आप हमसे सारे पैसे ले लो, लेकिन आज रात हम यहीं रुकने दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो दोनों अपने सारे पैसे उसे दे देते हैं। वो आदमी खुश हो जाता है। फिर एक दिन जग्गू अपनी पत्नी को साइकिल पर बिठाकर उसे उसके मायके छोड़ने जा रहा होता है। उस दिन जग्गू बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह, शुक्र है भगवान का, ये मायके जा रही है, अब थोड़े दिन मैं चैन की सांस लूंगा। अजी क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, कुछ मैं सोच रहा था कि इतने दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा। अजी आप घबराए नहीं, ऐसी बात है तो मैं 10 दिन की जगह 5 दिनों में ही आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं प्रियतम, तुम इतने दिनों के बाद अपने मायके वालों से मिलोगी, वो बेचारे भी तुम्हें कितना याद करते हैं। कोई बात नहीं, तुम पूरे 10 दिन वहाँ रहना, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद जंगल का रास्ता आता है। अजी ये तो वही जंगल है ना जहाँ लोगों को वो सिरकटी लाश दिखाई देती है? हाँ प्रियतम, लोग तो यही बोलते हैं। अजी तो फिर आप इस रास्ते से क्यों आ गए? अरे दूसरे रास्ते से तुम्हारे मायके पहुँचने में पूरा दिन लग जाता है, यही रास्ता ठीक है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मायके पहुँचा दूंगा। फिर शीला डरी सहमी जग्गू को पकड़ कर साइकिल के पीछे बैठी रहती है। तभी कुछ दूर जाते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जग्गू साइकिल रोक देता है। अरे मर गए रे जी, ये कैसी आवाजें आ रही है जी? लगता है कोई जंगली जानवर है, तुम डरो नहीं। तभी वो सिरकटी लाश उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर जग्गू साइकिल को वापस घुमाकर तेजी से दौड़ाने लगता है। अरे अरे शीला कस के पकड़ना। तभी एक गड्ढा आता है और शीला धड़ाम से साइकिल से नीचे गिर जाती है। अरे मर गई रे, अजी मेरे लिए रुकिए। तभी जग्गू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे शीला जमीन पर गिरी हुई दिखती है। वो सिरकटी लाश भी उसी ओर आ रही होती है। अरे नहीं, अब क्या करूं? अगर इसे बचाने गया तो मैं भी मरूंगा। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, छोड़ो इसे यहीं मरने देता हूं, अच्छा है जान छूटेगी। फिर इतना सोचकर जग्गू वहां से भाग जाता है और साइकिल दौड़ाते हुए सीधा अपने गांव पहुंच जाता है। नहीं मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, अजी आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए जी? वहीं दूसरी तरफ जग्गू गांव पहुँच जाता है। उसे घबराया हुआ देख गांव वाले उससे कारण पूछते हैं। अरे जग्गू भाई क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही साइकिल तेज चलने की वजह से थोड़ी सांस फूल गई है बस। फिर इतना बोलकर जग्गू अपने घर चला जाता है। अरे वाह वाह, शुक्र है भगवान का बला टली, मैं तो 10 दिन की खुशियां मना रहा था, भगवान ने तो जिंदगी भर की खुशियां दे दी। अरे वाह वाह, अब मैं आजाद हूँ, अब तक तो वो सिरकटी लाश ने शीला का काम तमाम कर दिया होगा। अरे ये क्या, इसका पति तो इसे यहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया, इसने तो सारी तरकीब पर पानी फेर दिया, अब इस औरत का क्या करूं? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, अजी आप कहाँ हैं? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए?
सिरकटी लाश को शीला की हालत पर तरस आ जाता है और वो अपना काला कोट उतार देता है और अपनी असलियत उसके सामने ले आता है। अरे नहीं, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम कोई लाश नहीं हो। तभी वो झोपड़ी वाला आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे ये तुमने क्या किया? अपनी असलियत के बारे में इस औरत को क्यों बता दिया? हम यहाँ लोगों को डराते हैं ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ गया। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, वो तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर चला गया। हाँ तुम सही कहते हो, इन्होंने मुझे धोखा दिया, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर शीला उस बैरूपिये का कोट पहन लेती है और सिरकटी लाश का रूप ले लेती है और वापस अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे जग्गू दिखाई देता है। वो पलंग पर आराम से लेटा होता है और अंगूर खा रहा होता है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। उस कमबख्त औरत से पीछा तो छूटा। शीला खिड़की से ये सारी बातें सुन रही होती है। अरे नासमिटे, तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लेगा? अरे आज तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ, रॉकी को बुला लेता हूँ। फिर जग्गू अपने दोस्त रॉकी को घर बुला लेता है और वो दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। अरे जग्गू भाई, ये तो अच्छा हुआ, भाभी चिक चिक बहुत करती थी। अब हम चैन से रोज पार्टी करेंगे। तभी शीला खिड़की से गुर्राने लगती है। उसके गुर्राने की आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे जग्गू भाई, ये कैसी आवाज थी भाई? तभी उनकी नजर खिड़की पर पड़ती है तो बाहर उन्हें सिरकटी लाश खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये सिरकटी लाश तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। आई मम्मी बचा लो, अब क्या होगा? अरे भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ दारू पीने आया था। मुझे जाने दो। फिर वो सिरकटी लाश घर के अंदर आ जाती है। उसे अपने सामने खड़ा देख उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी जग्गू की नजर शीला की साड़ी पर पड़ती है। अरे ईका, ये तो शीला की साड़ी है, ये क्या गड़बड़ है भाई? अरे मर गए रे, शीला भाभी तो सिरकटी लाश बन गई रे। आई मम्मी, अब क्या होगा? अरे रॉकी भाई, डरो नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर ये भूत होता तो हम पर हमला जरूर करता। ए भूत, हम तुझसे नहीं डरते, आ हमें मार कर दिखा। आ अरे नासमिटे, क्यों अपनी मौत को अपने पास बुला रहा है? पागल हो गया है क्या? मरना चाहता है क्या? अरे नहीं, इन्हें तो मेरी असलियत के बारे में पता चल गया, अब क्या करूं? अगर कोट उतर गया तो मैं बेनकाब हो जाऊंगी। तभी जग्गू आगे बढ़ता है और कोट को खींच देता है। शीला की असलियत सामने आ जाती है। ओह, तो तुम हो, मेरा शक सही निकला। तुम तो मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ आए थे, मुझे अब तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। गाँव वालों की नजर में तुम सिरकटी चुड़ैल का शिकार बन चुकी हो, क्यों ना मैं ही तुम्हें मार डालूं? फिर जग्गू चाकू उठाता है और शीला की गर्दन पर रख देता है। अरे नासमिटे, क्या कर रहा है? भाभी को सच में जान से मारना चाहता है क्या? अरे भागो रे, ये जग्गू तो पागल हो गया है, इसके ऊपर तो खून सवार हो गया है। फिर रॉकी वहाँ से भाग जाता है। तभी वो बहरूपिया पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और पुलिस जग्गू को पकड़ लेती है और उसे जेल भेज देती है। वो बहरूपिया मनी मन शीला को चाहने लगता है। फिर शीला जग्गू से तलाक ले लेती है और उस बहरूपिया के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। जी अब से आप ये सिरकटी लाश मत बनना, आप मेहनत से पैसे कमा कर लाना।